चार बजे दियां वड्डियां खबरां लेके हाजर हाँ। सब तो पहला गल सीएम भगवंत मान की, जिन्हां दे वल्लों अज लाचोवाल टोल प्लाजा नूं बंद करवाया गया है। म्याद खत्म हो गई सी टोल प्लाजे दे चलदे रस्मी तौर दे उपर सीएम भगवंत मान अज हुशियारपुर पहुंचे। इत्थे ए लाचोवाल जो टोल प्लाजा है बटन दबा के उसनूं बंद किया गया ते लोकां दे सपुरद किया गया। हुण इत्थों लंघण वाले लोगों जो टोल टैक्स है वह नहीं भरना देवेगा। सीएम भगवंत मान का कहना है कि जो लोगों की जेब के उपर इसका असर पै रहा सीगा उसनों काफ़ी हद तक राहत मिली। इस तरीके जोड़े होर भी टोल प्लाजा ने वह भी जिन्हों की म्याद खत्म होने वाली होएगी उन्होंने भी जल्द ही बंद करवाया जाएगा। तो यह भी नाल दी नाल उन्होंने वालों कहा गया कि अगे तो कोशिश की जाएगी कि टोल प्लाजा लगन ही ना, सरकार अपने तौर के उपर ही अपने पद्धर के उपर ही जो रोड्स ने उन्हों का निर्माण करावे। अगे गल करांगे दिल्ली दी, जिथे अज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी दे नाल मुलाकात की है। पंजाब दी सुरक्षा नूं लैके खास तौर दे उपर चर्चा की गई। बाहर आके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दसिया कि जो ड्रोन दे जरिए हथियारां ते नशे दी तस्करी हुंदी उस मुद्दे दे उपर गलबात की गई है। इस दे नाल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतपाल सिंह बारे भी वड्डा बयान दिता ते कहा कि जिहो जी कार्रवाई अमृतपाल सिंह दे वल्लों की जा रही है सोशल मीडिया के उपर उन्हां दी नज़र दे विच है, जो कि पंजाब दी अमन अते कानून व्यवस्था दे वास्ते वड्डा खतरा है। इसलिए इन्हां सारियां चीज़ां नूं जल्द कंट्रोल कीते जाण दी लोड़ है। उत्थे दूजे पासे अज पंजाब भर दे विच एक महीने वास्ते टोल प्लाजा फ्री करवाए गए ने। इसकी शुरुआत की गई है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के वलों, जिन्हां ने 10 ज़िलों के कुल 18 जो टोल प्लाजा ने उन्होंने बंद करवाया अते नाल दी नाल उन्होंने फ्री करवाया लोगों के वास्ते। कहा कि आने वाले एक महीने तक यानी 15 जनवरी तक ये टोल प्लाजा इस तरीके दे नाल फ्री होंगे। किसानों ने टोल प्लाजा फ्री करा दिते ने। इस दे नाल ही इस एक झड़प की खबर भी सामने आई है। मोगा दे भी कुछ झड़प हुई है ते नाल दी नाल टांडा दे विच जो चलंग टोल प्लाजा है उत्थे ये झड़प हुई है किसानों की। किसानों के नाल जो टोल कर्मचारी से उन्होंने दरमियान इतने तकरार हो गई। भारी गिणती के जो पुलिस फोर्स भी इतने तैनात सी, किसान कह रहे सन कि टोल प्लाजा फ्री करवाना है, लेकिन जो इस दे नाल ही पुलिस वाले सन वह भी मौके के उपर मौजूद सी। टोल कर्मचारी कह रहे सन कि असी टोल प्लाजा फ्री नहीं कर देना, इसे नूं लैके ते काफ़ी देर तक हंगामा हुंदा रहा अते खिचोतान वाले हालात इतने बने रहे। इस दे नाल ही गल करांगे खरड़ दी, जिथे चलते ऑटो दे विच महिला दे नाल रेप की कोशिश की गई है। ऑटो दे विच महिला सवार हुई, पेशे तो नर्स सी ए महिला, जिवें ही सवार हुई तो कुछ दूरी के उपर जाके उस दे नाल गलत हरकत करन की कोशिश की गई। महिला ने चलते ऑटो दे विचों छलांग लगा के अपनी जो जान बचाई। इस दे नाल ही पुलिस ने इस संबंधी सूचित किया गया तो पुलिस ने कुछ ही घंटिया के दरमियान 3 लोगों नूं इस मामले दे विच हिरासत दे विच लै लिया ते अगली जाँच शुरू कर दिती गई है। अगे वधांगे फरीदकोट, जिथे सीवरेज मेन हॉल एक नौजवान की मौत का कारण बन गया। पूरे शहर के कई सालों तो सीवरेज का काम अधूरा पे, इस दौरान इतों की कैंट रोड के उपर सीवरेज मेन हॉल जो सी वो सड़क तो करीब 1.5 फुट उच्चा बनया होया सी ते सड़क का निर्माण हले अधूरा सी। रात के हनेरे च जिवें एक बाइक सवार इस दे नाल टकराउंदा है तो उसकी बाइक काफ़ी उपर तक हवा के उछलती है। इस तरीके नौजवान की मौके के उपर ही मौत हो गई है। इस पूरी घटना के नौजवान ने मौके के उपर ही दम तोड़ दिता। लोग प्रशासन तो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उत्थे लुधियाणा दे विच लगातार जो अपराधक घटनावां ने ओह वधदियां जा रही ने। ताज़ा घटना सामने आई है, सैर करदी महिला के उपर चाकू के नाल हमला बोल दिता गया। महिला सैर करन घरों निकली सी, सीसीटीवी भी इस घटना की सामने आई है। कुछ बदमाशों ने महिला के उपर चाकू नाल हमला बोल दिता। शुरुआत कहा जा रहा है कि यह लुटखो के इरादे नाल कीता गया हमला हो सकता है, लेकिन जो पुलिस की जाँच है, पुलिस का कहना है कि मुढ़ली जाँच के विच ये गल सामने आ रही है कि शायद किसी रंजिश के तहत इस महिला के उपर यह अटैक होया हो। फिलहाल पूरे शहर के लुटखो दियां वारदातां आए दिन वधदियां जा रही ने, लोग सहम के माहौल के हेठ जीण के वास्ते मजबूर हो रहे हैं। जिहो जी यह घटना वापरी है, घटना आतम नगर की सी जिथे सैर करती महिला के उपर चाकुओं के नाल हमला कर दिता गया। इस तरीके देश दुनिया दी होर खबरों के वास्ते बने रहो दैनिक सवेरा टीवी के नाल।